नमस्कार। ये सप्ताह 14 जून से लेकर के 20 जून तक का ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, आपका साप्ताहिक राशिफल वीकली राशिफल क्या होने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपकी जो भी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन उसके भी पहले एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए, यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो। ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं, और चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं इस वजह से सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर मेरे लिए सौगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। भाई मेष राशि के लिए वक्त लाभ का वक्त है, निसंदेह लाभ का वक्त है। कोरोना COVID-19 जो कि 2019 के आखिर से शुरू हुआ था, 2020 और 2021 तक भी चला आ रहा है और 2021 को भी इसने प्रभावित किया है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, कोरोना कब जाएगा, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये कोरोना जितना हम सभी को प्रभावित इसने किया है, अब सारी चीजें जो है वो ठीक करने वाला है। ये वक्त आपकी सारी चीजें ठीक करेगा। ये सप्ताह आपके लिए लाभ का रहने वाला है, उन्नति करवाने वाला है। यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, निसंदेह यात्राओं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होगी। ये यात्राएं आप जिस भी उद्देश्य से कर रहे हो उन कार्यों में आपको प्रगति दिलवाने वाली होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। या फिर यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते तो वो भी तय हो जाए, वहां पर भी आपको सक्सेस मिले, ऐसा भी दिखता है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नया प्रेम प्रसंग भी बन सकता है और संतान प्राप्ति के योग भी। ओवरऑल ये वक्त मेष राशि के लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। यश में वृद्धि, यश प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे यहाँ पर दिखती है सप्ताह के लिए। भूमि खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और ये वक्त लाभ करवाने वाला होगा। यदि भौतिक सुख सुविधाओं की कोई चीजों में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे भूमि, गाड़ी, एसी, फ्रिज, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाती है, निसंदेह इसमें आपका लाभ मुझे दिखता है, बिल्कुल कर सकते हैं। केवल एक आपके लिए यहां पर मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप खुद व्हीकल चला करके लंबा कोई दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो रुक जाए, या तो ड्राइवर का सहारा लें, बहुत जरूरी है जाना, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके ना जाए, और जो भी यातायात नियम है उनका पालन करें। वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। शुभ विचार, शुभ समाचार यहाँ पर आपको मिलेगा। यश में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, प्रतिष्ठा में वृद्धि है। हाँ, स्थान परिवर्तन जरूर हो सकता है, स्थानांतरण जरूर हो सकता है, ट्रांसफर जरूर हो सकता है, आप जहां हैं वहां से कहीं और। यदि आप स्टूडेंट हैं, लंबे समय से कोरोना की वजह से आप रुके हुए थे, यह वक्त आपको नई कोई अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा, या आपका जो कार्य रुका हुआ था उस कार्य में आपको प्रगति दिलवाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। धन में, आय में, इनकम में वृद्धि यहाँ पर होने वाली है, और लंबे वक्त से कोई समस्याएं चल रही थी तो वो खत्म होने वाली है। मिथुन के बाद यदि हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो जायदाद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी। बहुत अच्छी बात यह है कि यदि आप इस समय कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगाते हैं, तो उसमें भी वृद्धि होगी, तो यह एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिख रही है।
आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि संतान पक्ष को लेकर के आप कहीं चिंतित थे, परेशान थे, तनाव में थे, या फिर संतान नहीं हो रही है, तो संतान के पक्ष में सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारी परेशानी जो है यहाँ पर खत्म होने वाली है। धन के दृष्टिकोण से तो खैर वृद्धि होगी, तो ऑब्वियसली आपके नौकरी और व्यवसाय में भी उन्नति होगी। कहीं बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, घूमने फिरने जाने के बारे में सोचेंगे। आप सभी से एक विनती कि देखिए, कोरोना का वक्त चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, जितना हो सके अभी भी, लॉकडाउन कई जगहों पर खुल गया है लेकिन अभी भी डरने की जरूरत तो जरूर है। तो यदि जरूरी नहीं है तो आप सभी को नहीं निकलना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुझे दिखती है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए जितने भी कार्य थे वो बनने वाले हैं। यहाँ पर यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपकी अच्छी रहेंगी, सफल आपको करवाने वाली रहेंगी। वाहन खरीदने के बारे में सोचेंगे, वाहन आप खरीद भी सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे यहाँ पर सिंह राशि के लिए मजबूती दिखती है और आर्थिक दृष्टिकोण से आप स्ट्रांग होने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। ओवरऑल ये वक्त आपके लिए उन्नति कारक ही होगा, आपके ग्राफ को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ही होगा। सी के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, तो ये देखिए, ये वक्त आपके लिए लाभ को कम कर सकता है। आपको ये लगे कि यार लंबे वक्त से अब कोरोना की वजह से या किसी वजह से जो है वो रुकावटें आ रही थी और अभी अब सारी चीजें ओपन हो गई, लेकिन मेरा लाभ जो है मुझे कम मिल रहा है, तो ऐसा आपको लग सकता है। इस बात को लेकर के आपको मलाल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात ही कहूंगा, लगे रहें, लगे रहें और लगे रहें, मेहनत करते चलें। ये सप्ताह आपको लाभ कब दिलवाएगा, लेकिन आने वाला वक्त आपको लाभ जरूर से दिलवा देगा, तो चिंता की कोई बात नहीं। अपनी महंगी चीजें, अमूल्य चीजें, मूल्यवान चीजें जो भी हैं उनका ध्यान रखें। देखिए, मूल्यवान जानकारियां भी हो सकती है, मूल्यवान वस्तुएं भी हो सकती हैं, अमूल्य जानकारियां भी हो सकती है, अमूल्य वस्तुएं भी हो सकती हैं, जो भी है इनका आप ध्यान रखें, अदरवाइज इसका चोरी हो जाए ऐसा मुझे दिखता है। हालांकि संतान के पक्ष में कोई समस्या थी लंबे वक्त से, तो ये समस्या खत्म होने वाली है यहाँ पर, इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो और पारिवारिक जीवन आपके लिए कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं, तो मतभेद के योग हैं, मनभेद के योग हैं, तनाव के योग हैं, चिंता के योग हैं। हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वक्त हो सकता है आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवाए या थोड़ी सी निराशा दे, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आने वाला जो सप्ताह रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और बताऊं कि एक चीज में आपको फायदा मिल सकता है, यदि प्रॉपर्टी में, भूमि में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स यदि कहीं आपने करके रखे हैं तो उसमें आपको जरूर से लाभ मिलेगा, तो ऐसा मुझे जरूर से यहाँ पर दिखता है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो शुभ समाचार, शुभ सूचना, शुभ विचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश तैयार रहे, ये आपको मिलने वाला है। संतान के पक्ष में खुशखबर है और यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। वृश्चिक राशि के लिए यात्राएं सफलता दिलवाने वाली होंगी, उन्नति दिलवाने वाली होंगी। जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको जरूर से उन्नति सफलता देखने को मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय जो है बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, चिंता की कोई बात नहीं। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है, धोखा आपको मिल सकता है, इस बात से जरा बचकर रहे। पारिवारिक तौर पर तनाव हो सकता है, ये बात भी मुझे यहाँ पर दिखती है। जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, किसी को महत्वपूर्ण महंगी कोई वस्तु दे रहे हैं, या फिर अमूल्य या मूल्यवान जानकारी या वस्तु किसी को दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी पर भी, किसी तीसरे पर भी अति विश्वास करना आपके लिए समय अच्छी बात नहीं है। वैसे तो कोई कोई तीसरा व्यक्ति है उस पर तो अति विश्वास तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार हम कर लेते हैं और फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होती। जस्ट ये जुए स्पेकुलेशन की तरह होता है। हाँ, जुआ खेल लिया, कई बार लोग जीत गए तो उन्हें लगता है कि अरे अब तो जितने ही जीतते ही जाएंगे, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये गलत रहा है। तो उसी प्रकार से इस समय इस प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, किसी को अपनी किसी पर अति विश्वास करने का जुआ, और अंधविश्वास तो फिर किसी पर करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं किसी पर करना चाहिए, तो उस बात से जरा बचें। हालांकि पढ़ाई के दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए अच्छा है, आप जो भी पढ़ाई करें उसके लिए मुझे ये वक्त अच्छा मजबूत बनता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आप जो है वो आप उन्नति करेंगे इस दौर में। हालांकि शारीरिक तौर पर मुझे कष्ट बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है,
ये एक जरूर से दिक्कत है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती। नया कोई विचार आपके मन में आ सकता है, नई प्लानिंग आप कर सकते हो, नई प्लानिंग जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से ये वक्त जो है आपको सफलता दिलवाने वाला है। हाँ, यदि आप स्टूडेंट है तो भी आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, भाग दौड़ यहाँ पर ज्यादा लगेगी, ये हो सकता है। मतभेद की स्थितियां भी है और व्यर्थ फिजूल का तनाव भी आपको हो सकता है, तो ये भी एक बात है। लेकिन 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 चिंता की कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है, आने वाला जो दौर है, आने वाला जो वक्त है, वो आपको सफलता दिलवा देगा। बहुत बड़ी कोई चिंता का विषय यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस समय मेहनत ज्यादा करिए, आने वाले समय में उसका फल लीजिए, केवल ऐसा ही सौदा है, ठीक है, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं, वाहन यदि आप चलाते हैं, लंबी दूरी का कोई ट्रेवल आपने डिसाइड करके रखा है, रुक जाए, अच्छा समय आ जाने दीजिए, फिर वाहन आप चलाइए। अच्छा समय मतलब नेक्स्ट वीक आप आ जाने दीजिए, फिर आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल करिए। यदि आप खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, मेरी आपको बिल्कुल सलाह नहीं है। हाँ, यदि बहुत जरूरी है तो ही आप किसी के साथ जाए, कोई ड्राइवर कर लें, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, तो उसके सहारे ही जाए, खुद व्हीकल लंबी दूरी का अपना चलाएं। इस सप्ताह और आने वाले सप्ताह आप जा सकते हैं। सफलता आपको आपके काम काज में जरूर से मिल जाएगी। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से सफल करने वाला वक्त है। संतान के पक्ष में भी कहीं खुशखबर, शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको मिल सकता है, तो ये भी अच्छी बात है। और पारिवारिक परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा रहेगा, केवल आपको वाहन से कष्ट मुझे दिखता है, उस चीज का ध्यान रखें, जो यातायात के नियम है उनका पालन करें, बस उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय मजबूत रहने वाला है, उन्नति करवाने वाला। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।